अयोध्या जो हिंदू मान्यताओं में भगवान राम की जन्मभूमि है, लेकिन मुगल काल में यह शहर बाबरी मस्जिद की वजह से मशहूर हुआ। यह इतिहास तकरीबन 500 साल पुराना है, लेकिन 19वीं सदी में इसके वजूद को लेकर जो दावा बदला, उसने नगर के साथ देश की सियासत में भी भूचाल ला दिया। विवाद की सुगबुगाहट उस नगरी में सुनाई देने लगी जो सरयू नदी के किनारे बेहद शांत नजर आती थी। आपस में हम लोग कभी नहीं लड़े। अब ये बाबरी मस्जिद हो या जन्मभूमि, ये सब राजनीति का अखाड़ा है। चाहे बिना कटियार हो या सोफ सिंगल हो, जनता जो इनको देखती जानती धार्मिक है, ये धार्मिक नहीं है, ये धर्मी लोग हैं। किसी धर्मों का कोई ऐसा लड़ाई का विषय नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या, बौद्ध क्या, सिख क्या, सरदार क्या, सब लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। यहाँ जो भी झगड़ा फसाद हुआ है, बाहरी लोग आए हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। चला ही तो धर्म की खून का रंग एक है, खून की मोहब्बत है। सर्वधर्म संभाव का प्रतीक रहा है अयोध्या। आज हम अयोध्या के हिंदुओं पर फख्र करते हैं। अयोध्या अपने आप में एक ऐसी नगरी है जिसकी तबीयत को बाहरियों का तेवर कभी रास नहीं आया। अपनी बुनियाद के साथ ही इस नगर ने किसी के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा। यही वजह है कि अयोध्या नगरी को जीता नहीं जा सका। अयोध्या का अतीत कुछ ऐसे बोलता है, उसके झरोकों से गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी नजीर झांकती है जिसका घुमा इकबाल जैसे शायर भी बयां कर गए। हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद। अल्लामा इकबाल जैसे शायर राम को हिंद का इमाम बता गए। ये बात आजादी के पहले की है। उस दौर में भी मंदिर और मस्जिद का वजूद अपनी वजह को लेकर उलझ चुका था। लेकिन शायर इकबाल की वो मिसाल अयोध्या का माहौल कुछ और बताती है। उस दौर का माहौल आज जैसा उग्र नहीं था। अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूजा पाठ की अलग अलग जगह तय की थी। अपने वक्त पर अजान और अपने समय पर राम का जयकारा दोनों एक साथ एक स्वर में गूंजते थे। अब हम किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। सारे लीडर, चाहे वो हिंदू लीडर हों या मुसलमान लीडर हों, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हाँसी में कचहरी का चक्कर लगा हुआ, ये नहीं होगा। जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता। मुस्लिम घरों में रामलला के कपड़े सिलते, खड़ाऊ बनाते, रमजान के रोजे भी हिंदू महंतों की मौजूदगी में खुलते। ये मिसाल और परंपरा तो आज भी कायम है। जबकि सियासतदानों ने
समाज में जहर खोलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद इरादों को हिला नहीं सके। हाई कोर्ट का निर्णय आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग सुलह समझौते की बात की थी, उसमें हाशिम अंसारी जी मेन थे और रामलला विराजमान के भी लोग थे और निर्मोही अखाड़ा भी था, चक्रपाणी जी को भी बुलाया गया था, हिंदू महासभा सब एग्री थे, बिल भी तैयार हो गया था, जिस पर दस्तखत नहीं हो पाया, उस पर कोर्ट में लग नहीं पाया, तब तक आगे लोग बढ़ गए दिल्ली। तीन महीना का हमने टाइम दिया था, लेकिन उस पर भी जो है लोग करने नहीं दिए, विशेषकर विश्व परिषद के लोगों ने ही इसमें बाधा डाला। राम रहीम की साझी विरासत बिखरी कैसे, देश आजाद होते ही नमाज और रामनवमी के बीच भेद कैसे बढ़ने लगा, मजहबी आस्था का वो साझा समूह गान तो अयोध्या में मंदिर और मस्जिद की खींची लकीर के बीच भी सदियों से सुना जा रहा था, लेकिन देश आजाद होते ही धर्म के एकालाप में बदल गया। वो साल था 1949। देश को आजाद हुए 2 साल हो चुके थे। देश के बंटवारे के साथ जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, अपने अपने धर्म को लेकर विचारों में कट्टरता आई, ये वही दौर था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, हिंदू महासभा जैसे संगठनों का परचम लहराया और इसी साल अयोध्या में एक चमत्कार भी हुआ। सोच में पूरी तरह से एक बदलाव आ चुका है, जो एक रूढ़ीवादी सोच पहले हुआ करती थी कि नहीं हमें मंदिर बनाना, या लोग कहते थे हमको ये ज़मीन चाहिए, अब तो लोगों का ये मानना है, लोग बिल्कुल पूरी तरह से उब चुके हैं और लोग चाहते हैं कि बस इस मुद्दे से आप इस सिटी को हटाइए किसी भी तरह से। जो लड़ाई झगड़ा का मुद्दा है या हिंदू मुस्लिम का, ये नहीं होना चाहिए, लोगों को चाहिए कि हम आपस में मिलजुल के रहें, सद्भाव बना के रहें, एकजुट होकर रहें, जिससे हमारा समाज आगे ही बढ़ेगा। ऐसा उस दौर के साधु संतों ने दावा किया। 22 दिसंबर की उस सर्द रात की तथाकथित बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, लेकिन सच कुछ और था। अगले ही दिन अयोध्या पुलिस ने जो FIR दर्ज की, उसमें संत अभिराम दास, राम शकल दास और सुदर्शन दास को नामजद किया गया। शाश्वत नगरी मानी गई है, जो शाश्वत नगरी में कभी इसका नष्ट नहीं होता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो नियम से 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या नगरी में ही उत्पन्न होते हैं। जो रोड हमारा गुरुद्वारा की रोड देख रहे हैं, इस रोड के ऊपर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है। मुसलमान लोग नमाज अदा कर रहे हैं, सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं और हिंदू लोग अपने मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब माँ मिलाई गई थी तो आप पैदा हुए थे दुनिया में सबसे पहले, बीवी आपके अंदर में, उनका नाम बीवी हूर है, समझा। तो 1492 में मोहम्मद लोधी आया था तो इसने बाउंड्री किया था, मिट्टी के मदारे थे, कई हिस्सों में बटी थी, उसने 7 गज की बनाया है, अब बाकी सब छोड़ दिया। आरोप लगा कि ये 3 लोग अपने 50 से 60 समर्थकों के साथ आधी रात को विवादित परिसर में घुसे और भगवान राम की मूर्ति रख दी। पुलिस के मुताबिक ये पूरी कवायद धार्मिक माहौल बिगाड़ने, धर्मस्थल को अपवित्र करने के लिए की गई थी। जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, 2 हिस्सा इनको मिला, 1 हिस्सा हमको मिला। हमारा मानना है जो हाई कोर्ट ने हमको दिया है वो हम ले लें, जो इनको मिला है ये ले लें, ये मंदिर बनाए अपना, हम उसे सटा के मस्जिद नहीं बनाएंगे ताकि फिर झगड़ा हो भविष्य में। केवल ये जो बाहरी जो पेशेवर लोग हैं, वो पेशेवर लोगों का तभी फायदा है जब एक कौम आपस में लड़े, लेकिन अयोध्या में देख लीजिए कि हम लोग प्रत्येक दूसरे रविवार को राम जन्मभूमि पर एकत्रित होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद के बादी हाजी साहब, कासिम साहब, कोर्ट से हम भी ऑथराइज हैं, हाई कोर्ट से हम लोग एक ही साथ वहाँ बैठ के ईटिंग मीटिंग सीटिंग सब करते हैं। इस विवाद के साथ मस्जिद में ताला लग गया, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था खत्म हो गई,
जिसमें दोनों समुदायों को नमाज और पूजा की मंजूरी मिली हुई थी। इसके बावजूद अयोध्या अपनी जगह उसी मजबूती के साथ खड़ा रहा। अयोध्या के लिए सरयू सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक स्थिर रूपक भी है। जिस नगरी को लेकर पूरे देश की सियासत में खलबली मची, वो नगरी धार्मिक उन्माद और सियासी उथल पुथल के सबसे भयानक दौर में भी शांत रही। बीस सालों में मंदिर और मस्जिद के झगड़े को लेकर के अयोध्या और फैजाबाद का विकास रुक गया। विगत 20 वर्षों से इधर ना तो कोई फैक्ट्री लगी, न तो किसी प्रकार का आविष्कार हुआ और न भी कोई यात्री आने से यहाँ डरता है। यहाँ के हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारा उनसे कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। ये रामलला का जो झगड़ा चल रहा है, इसी मंदिर के कपड़ा हमसे पुजारी सतेंद्र दास जी बनवाया करते थे। तो उन कपड़ों का क्या होता था? इसी मंदिर पर चलता था इनके मूर्ति पर रामलला। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला है। अगर आप इतिहास उठा के भी देखें कि अयोध्या में कोई भी आपस में किसी तरह का वैमनस्य हुआ हो, ऐसा तो कभी आया नहीं। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। सारे धर्म, हर कास्ट क्रीड के लोग सब इतना भाईचारे के साथ रहते हैं कि जिसकी कोई तुलना कहीं से नहीं की जा सकती। मुस्लिम घरों में रामलला के कपड़े पहले की तरह ही सिलते रहे। साधु संतों के लिए खड़ाऊ मुस्लिम कारीगरों के हाथों बनती रही। पूजा के लिए फूल की मालाएं बनती रही। पंचकोसी परिक्रमा से लेकर तमाम आयोजनों में मजहब की बंदिशें बिखरती रही। प्रोग्रामिंग डेस्क, हरियाणा न्यूज। साजिश के सुराग मिले, चेहरे भी पहचाने गए, फिर हालात जस के तस क्यों? सियासी रस्साकशी के साथ अयोध्या में वो हुआ जिसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। 25 साल पहले का वो मंजर आज भी कल्पना से परे लगता है। आखिरकार सेवकों के जमावड़े के साथ ऐसे कैसे हो गया जिसे कानून व्यवस्था के तमाम इंतजामों और सख्त पहरेदारों के बीच रोका नहीं गया? छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ वो सरेआम हुआ, लेकिन सीबीआई जांच में कुछ सुराग तो कुछ साजिशों के भी हाथ लगे। इसका राजनीतिक लाभ सेक्युलरवादी इस नाते से उठाते थे कि हम हिंदुओं का दमन कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं का दमन कर रहे हैं। हिंदुओं की भावना दमन करने से मुस्लिम समाज खुश होगा। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, जो 85% मुसलमान होगा जो हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहता। विरासत जब सदियों पुरानी हो तो सियासत की कहानी में तमाम पेज तो अपने आप ही जुड़ जाते हैं। ऐसे में अयोध्या की ये जमीन और इस पर खड़ी ये विरासत भला अपवाद कैसे हो सकती है? अगर अपवाद होती तो इसके वजूद की कहानी में विवादों और बवाल से भरा ये पन्ना कभी नहीं जुड़ता। इस पर मस्जिद और मंदिर की दावेदारी नहीं होती। कंक्लूडिंग विद द अपील, व्हाई नॉट
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड टू अयोध्या विच द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया अडॉप्टेड टूवर्ड्स सोमनाथ. दे वुड थ्रो कॉइन्स एंड आई वुड वी वुड कीप ऑन अपीलिंग फ्रॉम द लाउड स्पीकर फ्रॉम द रेडियो दैट नॉट अ सिंगल कॉइन इज टू बी थ्रोन बट दैट वुड नॉट डिटर देम. 25 साल पहले अयोध्या में जो भी हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ. हजारों की तादाद में मौजूद कार सेवकों के हाथों हुआ. घटना के दौरान मंच पर मौजूद मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर राजनेताओं के सामने हुआ. ये सभी नाम तब दर्ज की गई सीबीआई की चार्जशीट में शामिल किए गए थे. इन आपराधिक साजिश में शामिल होने के सुराग भी सीबीआई की उसी जांच के दौरान सामने आए थे. आडवाणी जी की यात्रा के कारण से ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया, इसकी चर्चा भी होने लग गई. लेकिन वो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के कारण से नहीं, एक राम भक्त के नाते से उन्होंने भी यात्रा को निकाला. 6 दिसंबर 1992 की उस घटना में वो शायद साजिश के ही सुराग थे जिसके साथ सियासत के मंसूबे और इसे लेकर अयोध्या की आशंकाएं बदलती चली गईं. मंदिर मस्जिद को लेकर दलीलें दोनों तरफ से उग्र हो चली थी. सियासी तनाव के बीच मजहबी टकराव की घटनाएं उस दौर में बढ़ती चली गईं. कई शहर जले और कई घर इस आंच में झुलस गए. अब बगल में बना लिया अपन, कोई बात नहीं, झगड़ा शांत कर लिए, लेकिन अब एक उठाव वाली बात है तो वो बात अलग, लड़ाई वाली मतलब बात हो गई. आप हिंदू हैं कि मुसलमान? नहीं, हम तो हिंदू. तभी आप सोचते हैं कि यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों भाई, भाई हमारे मंदिर बना हो, कोई तोड़ा लगे तो हम कैसे बात टूट जाए मंदिर. अगर तुमको मस्जिद बनाना है तो अपन अलग बना लो, या जैसे भी लोगों को मंदिर बनाना है तो अलग बना लें दूर, मस्जिद न तोड़ा. जैसे एक चीज बनी है तो तोड़ना नहीं ठीक. 90 के उस दशक की वो उथल पुथल आजाद हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल मानी गई. वो दौर अपने हिंसक रूप से तो उभर गया, लेकिन मजहब को लेकर जनमानस की संवेदना दो धड़ों में बट गई. अयोध्या का मसला सियासत का सबसे बड़ा एजेंडा बन गया. बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या. ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं. मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूं, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूं, मैं नेशनल वोट बैंक. अयोध्या की कहानी उसी रथ यात्रा के साथ बदलनी शुरू होती है. इस बात का जिक्र तब सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में किया था. 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद कार सेवकों पर दर्ज हुए मामलों की जांच करते हुए सीबीआई ने महसूस किया कि एक दिन की औचक घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ी तैयारी और साजिश थी, जिसे आज तक न ये देश भुला पाया और न अयोध्या. प्रोग्रामिंग डेस्क, हरियाणा न्यूज़.